सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। 22 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है ये धमाकेदार कार। होंडा ने चौथी जनरेशन जैस की टीजर इमेज जारी कर दी है। इस टीजर इमेज से कार के लुक को लेकर काफी कुछ समझा जा सकता है। इसका राउंडेड डिजाइन काफी हद तक 2009 में लॉन्च हुई सेकेंड जनरेशन जैस की याद दिलाता है। बड़े नई कार की इमेज में बड़े और राउंड शेप वाले हेडलैम्प्स और टेलगेट तक जाते हुए हॉरिजॉन्टल हेडलैम्प्स को और नया बम्पर नजर आ रहा है। कार के ग्लास भी पहले की तरह बड़े नजर आ रहे हैं। इसमें कार का पूरा लुक इन्होंने बदल दिया है और शानदार लुक के साथ अब ये नई जैस लाने वाले हैं। इंटरनेशनल वर्जन में कंपनी इस कार में डुअल मोटर से लेस हाइब्रिड इंजन देने वाली है। वहीं इसके भारतीय वर्जन में मौजूदा 1.2 पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दे सकती है। हालांकि कंपनी इन दोनों इंजन को आगमानी BS6 नॉर्मल्स के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। होंडा डेज जैस को भारत में 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। फिलहाल 23 अक्टूबर को इस कार के बारे में डिटेल पता चलेगी। आगमानी 23 अक्टूबर को होंडा टोक्यो मोटर शो 2019 में इस कार को शोकेश करने वाली है। फिलहाल तो इस कार को लेकर केवल इतनी ही जानकारी है कि ज़्यादा जानकारी के लिए इसे हमें 22 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये कार 22 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगी जब इसे टोक्यो मोटर शो 2019 में शोकेश किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि होंडा भारत में नई जैस को साल के अंत तक लॉन्च कर देगी। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये नई होंडा की जैस हैचबैक कार कैसी लगी, क्या आप इसको खरीदेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई तो बिना लाइक करे इस वीडियो को मत जाना दोस्तों, जल्दी से एक लाइक ठोक दो। आपका एक लाइक चैनल को बहुत सपोर्ट करता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके आम आदमी तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।